खबर तो आप लोगों तक पहुंची गई है कि रविंद्र जडेजा एशिया कप से बाहर हो गए हैं। राइट नी यानी सीधा घुटना उनका इंजर्ड है और ये पुरानी चोट उनकी दोबारा फिर से उभर कर आई है। यही कारण है कि इस एशिया कप में वो नहीं खेलेंगे। अक्षर पटेल जो बैकअप ऑप्शन थे, बैकअप प्लेयर थे, उन्हें टीम में इंक्लूड किया गया है। कमोबेश जडेजा जैसा ही वो एक एक्सपेक्टर टीम में लेकर आते हैं, स्पिनर है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन जडेजा का ना होना, उसके पहले जसप्रीत बुमराह का बैक इंजरी से बाहर ना आना, एशिया कप में ना खेलना, सस्टेन है हर्षल पटेल को, वो भी टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं। दीपक चाहर भी बैकअप में है, फुली फिट वो भी नहीं है। तो ये दो तीन खिलाड़ियों के बिना एशिया कप के सुपर फोर में पाकिस्तान से टकराना इंडियन क्रिकेट टीम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा झटका इस वजह से होगा क्योंकि जिस फॉर्म में जडेजा चल रहे थे, जरूर पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें विकेट नहीं मिला, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, 2 ओवर फेंके थे, और हांगकांग के खिलाफ भी पूरे 4 ओवर गेंदबाजी करते हुए बहुत किफायती रहे थे, एक विकेट भी चटकाया था। साथ ही साथ अगर हम एशिया कप की हिस्ट्री की बात करें तो भारतीय टीम की ओर से सबसे सफल गेंदबाज थे, सबसे ज्यादा विकेट रविंद्र जडेजा के नाम थे। वैल्यू एडिशन तो वो करते ही टीम में, चौथे नंबर पर आके जिस तरह से पाकिस्तानी टीम को उनकी स्ट्रेटेजी पर दोबारा वर्कआउट करने के लिए विवश किया था उन्होंने, दोबारा फिर से सोचने पर मजबूर किया था, और वहां पर शायद टीम इंडिया को एक अपर हैंड मिला था क्योंकि चौथे नंबर पर जडेजा का आना, एक लेफ्ट आर्म, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का क्रीज पर उतरना उनके स्पिनर को बॉलिंग अटैक से दूर करने के लिए काफी था, और वहीं पर टीम इंडिया को अपर हैंड मिला। तो अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ते जा रहा है, डिफिकल्टीज बढ़ती जाएगी, लेकिन ये डिफिकल्टीज टीमों के लिहाज से नहीं बल्कि इंट्रा स्क्वाड यानी खुद की हमारी टीम के लिहाज से एक बहुत बड़ा थ्रेट है। रोहित शर्मा बिल्कुल इस झटके से खुश नहीं होंगे और बहुत सोच में होंगे। हालांकि अक्षर पटेल को जरूर इस टीम में स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि जडेजा अगर चौथे नंबर पर आ रहे थे तो वो क्या फर्क इस टीम में डाल रहे थे। दूसरी बात ये कि जडेजा एक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन भी आपको सेट करके देते थे। आप ऋषभ पंत को टीम से बाहर कर रहे थे, अब ऋषभ पंत को खिलाना या फिर ऋषभ पंत को टीम में स्क्वाड में शामिल करने के लिए जरूरी बदलाव करने के लिए वो कप्तान टीम मैनेजमेंट को मजबूर कर देंगे। तो एक ये सिरदर्द होगा, अब देखना होगा कि इस बड़े झटके से इंडियन क्रिकेट टीम किस तरीके से उभरती है। जडेजा खुद इस इंजरी से, इस चोट से कितने जल्दी उभरते हैं, क्योंकि यही वो चोट है जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी उनको एक्शन से दूर रखी हुई थी। इंडिया को न सिर्फ ये एशिया कप में बढ़िया करना है बल्कि इसके बाद में घरेलू सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद में फिर इस साल के अंत में हमारा जो बड़ा टारगेट है, हमारा जो बड़ा लक्ष्य है, बड़ी पिक्चर यानी वर्ल्ड T20, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के खिलाफ सिरदर्द साबित कर दिया था विरोधियों को, उसका टीम में ना होना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। अब देखना यह होगा कि अक्षर पटेल आकर किस तरीके से जडेजा की कमी पूरी करते हैं।